आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अंजड़ की बड़वानी रोड धनुरा पुनर्वास में रोड किनारे स्थित एक सोने मकान में शनिवार दोपहर चोरों ने धावा बोलकर नकदी रुपये और सेवर पार कर दिए। मामले की शिकायत थाने में की गई। मिली जानकारी अनुसार हाट बाजार में दुकान लगाने वाले ओम प्रकाश पिता धनिया अपनी पत्नी उषाबाई को लेकर सुबह से ग्राम भागसुर में चप्पल जूते और कटलरी की दुकान लगाने गए थे। वहीं दो बच्चे धीरज और राधिका बोरलाए स्कूल में पढ़ने गए थे। बच्चे दोपहर को स्कूल से वापस लौटे और घर पहुंचने तो उन्हें मेन गेट सहित अन्य दरवाजों का ताला टूटा मिला, जिसे देखते ही उन्हें घर में चोरी होने की आशंका हुई। अंदर जाने पर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा और अलमारी का दरवाजा तोड़ लाकर भी लूटा पाया गया। दोनों बच्चों ने आस पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद ओम प्रकाश को जानकारी देते हुए अंजड़ पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। ओम प्रकाश ने बताया कि चोरों ने लगभग 50,000 रुपये की नकदी तथा 12 ग्राम सोने की झुमकी, एक जोड़ी टॉप्स, एक छोटा और एक बड़ा मंगलसूत्र सहित 10 चांदी के सिक्के जो लॉकर में रखे थे उन पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों द्वारा वारदात की सूचना दोपहर अंजड़ थाने पर दी गई, जिस पर थाना प्रभारी सोनू शितोले ने पुलिस कर्मियों सहित मौके पर पहुंचकर मुआयना किया एवं स्वजनों सहित पड़ोसियों से पूछताछ की। फिलहाल चोरी के बारे में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस द्वारा चोरी गए सामान सहित पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज नगर पालिका की तरफ से वृहद रूप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है मामला? कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी के आदेश अनुसार जो नगर परिषद अंजड़ में जितने भी दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के निर्देश प्राप्त है। उसी के तारतम्य में आज नगर परिषद द्वारा एक अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मुख्य मार्गों पर जिन दुकानदारों का अतिक्रमण किया गया उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। सर, ये कितने दिन और रेगुलर चलेगी? ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। जब तक मुख्य मार्गों का अतिक्रमण नहीं हटा जाए तब तक ये जारी रहेगा। सर, यदि कोई हटाता है तो कोई वाद विवाद के लिए क्या रहेगा सर? विवाद होगा तो उसके लिए पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग हमारे सहयोग में